मामा बनने का था ना मुझे, तो मेरे पता है पचन साल में मामा बनने का था, मामू को मार के शोर बाजार साल चोर बाजार। और तो पता क्या, सरकारी दफ्तर नहीं है कि 4 साल में एक रिटायर हो जाए तो दूसरा बाबू बन जाए। एक मामू मरता तो दूसरा बनता। टेंशन मत ले मेरे यार, मजे ले। एक बात बताऊं, पूरा नंगा होने में भी कोई मजा नहीं है। तुझे क्या लगता है, फतेह ने मामू को मारा होगा? नहीं, मुझे पता है कि फतेह ने ही मामू को मारा। फिर क्या बोलते हैं? मामू कल परमेल जा रहा है और वो उसकी साली भी है। तो ये काम तू काहे को नहीं करते? नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा, इसके लिए तुम अपना कोई आदमी लगाओ ना। तब तो फिर साली का भी गेम बजाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे उसको मैं संभाल लूंगा ना। दिल आ गया साली पे। और तू किसकी तरफ था, फतेह या मामू? मैं अपनी तरफ था। अरे तगड़ी करके मारना रे। अरे चुप करो रे। कितनी शीशी बची है हमारे पास? नहीं, हमारी तो खत्म हो गई। वो फतेह की भी खत्म हो गई होगी। तो पैसे मांग रहा था वो। तो दे देंगे। अरे सर मारना रे। ज्यादा पैसे मांग रहा था। कितने? एक होगा। बाप कर रहा है। एक बार पकड़ के तो देख। हैं? टच कर बिजली की तरह चलती है साली। टच कर फुल एंड फाइनल। बाकी के पैसे का पांडे अपने गांड में डालेगा। मां की आंख, मेरे बाप का ये तेरे पांडे भैया की मां की, उसको बोल गए मेरे साथ काम करने का है तो स्ट्रेट करना है, वरना उसके पिछवाड़े में सब बंबू डालो ना कि अलग से बाहर निकलेगा। क्या बोलेगा? समझ गया। बोलना बे, क्या बोलेगा? पिछवाड़े से बंबू डालेगा, अलग से निकालेगा। हाँ, उसको बोला मामू ने बोला है। किसने बोला है? मामू ने। सही है। बहुत मजा आया। अरे मुझे कुछ काम है। ठीक है, तो बहना है। हाय।
हाय हैप्पी बर्थडे बर्थडे तुम्हें किसने कहा कि मेरा बर्थडे है एक्चुअली आई नो इट्स बैड मैनर्स पर उस दिन बस में मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी तभी तुमने आधी बात सुनी बर्थडे मेरा नहीं मेरी दोस्त का है उसी को लाए थे यहाँ पे ट्रीट देने तो फिर मेरा रिटर्न गिफ्ट तो कैंसिल रिटर्न गिफ्ट हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया मैंने सोचा तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो यू नो अरे साला किसी ने मुझे व्हाट हैपेंड सॉरी फॉर द लैंग्वेज किसी ने मेरी जेब काट ली नहीं साले हरामजादे होते ही ऐसे गालियां तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है